गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था फेमस से एक 1948। हमने उसमें बहुत सारे टैब्स पढ़े, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था उसमें ऑब्जेक्टिव, देन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देन फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देन फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है, देन प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है, देन अगर आपको आपका नेम एंटर करना है इन द फर्स्ट रजिस्टर तो वो प्रोसीजर देखी थी। और कल हमने देखा था कि रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम दी फर्स्ट रजिस्टर, मीन्स अगर किसी पर्सन का आपको नेम रिमूव करना है फ्रॉम दी फर्स्ट रजिस्टर तो वो कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमें दो डेफिनेशंस भी लेनी है, लेकिन इसे हम लास्ट ही टॉपिक कहेंगे क्योंकि आता है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। ठीक है, तो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज मतलब क्या रहेगा, ऑफेंस मीन्स क्या रहेगा, अगर आपने कोई गुनाह किया है, अगर आपने कुछ अगर लॉ को ब्रेक किया है तो वो कंसिडर होगा ऑफेंस। एंड पेनाल्टीज मीन्स आपको उसमें कितना फाइन लगेगा या फिर आपको कितने साल की आपको इम्प्रिजनमेंट होगी। इम्प्रिजनमेंट मीन्स क्या रहेगा, सज़ा, आपको कितने टाइम के लिए आपको कैद रहना पड़ेगा इन द जेल, और आपको कितना फाइन लगेगा वो सब किसमें आएगा, पेनाल्टीज में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो कॉलम किए अलग से, ऑफेंसेस का एक कॉलम रहेगा और नेक्स्ट कॉलम रहेगा पेनाल्टीज का। हम बुक में देखेंगे तो उसे पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, लेकिन अगर आप इसे ऐसा समझोगे और लिखते वक्त भी इसे ऐसा लिखोगे तो आपको ईजी जाएगा लिखने के लिए भी, और आपको लर्न करने के लिए भी ईजी जाएगा और चेक करने के लिए भी ईजी रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफेंस क्या है, फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आरपी मीन्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स अगर कोई पर्सन बता रहा है, फॉल्सली बता रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, कब, एट दैट टाइम, अगर सपोज अगर कभी डीआई आते हैं, डीआई क्या करते हैं, साल में एक बार, तो भी आपकी अगर रिटेल फार्मेसी हो तो वहाँ पर वो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, और जब वो आएंगे तब अगर आप फॉल्सली क्लेमिंग करोगे, अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पर एज ए क्वालिफाइड पर्सन, एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर आप वहाँ पर अपॉइंट किए गए, आपका लाइसेंस नंबर नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस कंडीशन में आपको कौन से ऑफेंस में लिया जाएगा, फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मीन्स आप क्या कर रहे हो, फॉल्सली क्लेम कर रहे हो कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, तो उस कंडीशन में आपको क्या पेनाल्टीज रहेगी कि अगर आपने क्लेम किया कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ बट आप नहीं है, आपके पास ना खुद का रजिस्ट्रेशन है ना आपके पास खुद का लाइसेंस है, उस कंडीशन में आपको क्या पेनल्टी रहेगी। सबसे पहले पेनल्टी रहेगी फाइन अप टू 500, फाइन अप टू 500 ऑन फर्स्ट टाइम। अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर फॉल्सली क्लेम किया तो आपको सिर्फ 500 रुपीज का फाइन रहेगा, बट अगर आपने सेकेंड टाइम किया, अगर वही बात आपने अगर सेकेंड टाइम की तो उस कंडीशन में आपको 6 months की इंप्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज रहेगा, विथ 1000 रुपीज फाइन रहेगा। मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आपने वो ऑफेंस किया है, मीन्स आपने फॉल्सली क्लेमिंग किया है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो आपको 500 रुपीज का फाइन रहेगा, ओनली 500 रुपीज का फाइन। बट अगर वही ऑफेंस अगर आप सेकेंड कन्विक्शन में करो, फर्स्ट कन्विक्शन में अलग और सेकेंड कन्विक्शन मीन्स सेकेंड टाइम, अगर आप सेकेंड टाइम अगर वही ऑफेंस कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको 6 months की इम्प्रिजनमेंट रहेगी और 1000 रुपीज का फाइन रहेगा। मीन्स जो भी 500 का फाइन था वो डबल हो जाएगा क्योंकि आपने क्या किया वो सेकेंड टाइम किया, और उसके साथ क्या ऐड होगा, 6 months की इम्प्रिजनमेंट मीन्स 6 months की जेल। ठीक है, ये हो गया ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट ऑफेंस है फेल्यूर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सपोज अब ये इसमें हम क्या एग्जांपल लेंगे कि सपोज अगर आपके रिटेल फार्मेसी में अगर जब कभी डीआई आते हैं, अगर जब भी वो इंस्पेक्शन करने आते हैं तब अगर आप कह रहे हो कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, आपने कह दिया कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, बट फेल्यूर टू सरेंडर दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मीन्स आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं लगा, आप क्या कह रहे हो कि वो मैं घर में भूल गया, वो मेरे बैग में रह गया, तो जो भी आप उन्हें एक्सक्यूजेस दोगे, लेकिन वो क्या हो गया, आप फेल्यूर हो गए रजिस्ट्रेशन, आपका खुद का रजिस्ट्रेशन उन्हें दिखाने के लिए, उस कंडीशन में वो भी क्या रहेगा, ऑफेंस। अगर आप पहली बार है और आपने अगर फॉल्सली क्लेम किया वो अलग बात है, फिर आपको कहा जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए, तो आपका रजिस्ट्रेशन अगर वहाँ पर नहीं है, आप कह रहे हो कि घर पर है, ये आप अगर किसी रिटेल फार्मेसी में अगर आप वर्क कर रहे हो
एट दैट टाइम आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर प्रेजेंट चाहिए, मतलब चाहिए क्यों, क्योंकि डीआई कभी भी आ सकते हैं और आपको इंस्पेक्शन के लिए वो आपका रजिस्ट्रेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस कंडीशन में आपको फाइन अप टू 50 रुपीज लगेगा, ओनली 50 रुपीज का आपको फाइन लगेगा, ज्यादा फाइन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप फेलियर हो रहे हो सरेंडर करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन, तो ठीक है, ये हो गए दो ऑफेंसेस। देन हम थर्ड ऑफेंस पे लेंगे, थर्ड ऑफेंस रहेगा डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मीन्स अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स क्या रहेगा, अगर जब अब डीआई आपके यहाँ पर आ रहा है और डिस्पेंसिंग शुरू है, कंटिन्यूसली पेशेंट्स आ रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे आप डिस्पेंसिंग कर रहे हो, लेकिन जो पर्सन डिस्पेंसिंग कर रहा है वो पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, मीन्स वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में फाइन क्या रहेगा आपको, फाइन और इम्प्रिजनमेंट क्या रहेगी, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स और फाइन अप टू 1000 और बोथ। मीन्स एक तो आपको इम्प्रिजनमेंट रहेगी 6 मंथ्स की और 1000 रुपीज का फाइन रहेगा, या फिर दोनों रहेगा, वो डिपेंड करता है कि कितने हद तक आपने डिस्पेंसिंग किया है, या फिर जो भी डीआई आएगा उनको क्या सही लगता है वो इस पर डिपेंड करेगा कि अगर आपको 6 मंथ्स का ओनली इम्प्रिजनमेंट देना है या फिर आपको फाइन लागू करना है या फिर दोनों करना है, आपको फाइन भी लागू करना है या फिर इम्प्रिजनमेंट भी लागू करना है, ये ठीक, ये हो गया थर्ड। देन फोर्थ है ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड ड्रग इंस्पेक्टर। ऑब्स्ट्रक्टिंग मीन्स अगर ड्रग इंस्पेक्टर अपना इंस्पेक्शन शुरू है उनका और आप उन्हें बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कि हमारी फार्मेसी का एलिगेंस देखिए, हमारी फार्मेसी का अपीयरेंस देखिए, इतना अच्छा है, आप रजिस्ट्रेशन को साइड पे रख दीजिए, हम आपको कुछ अलग ऑफर दे रहे हैं, ऐसा वैसा जो भी आप उन्हें उलझाने की कोशिश करोगे या फिर उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। मीन्स आप उन्हें क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। उस कंडीशन में भी अगर डीआई को लगता है कि इस पर्सन ने मुझे ऑब्स्ट्रक्ट किया है तो उस कंडीशन में भी सेम रहेगा जो यहाँ पर है, वही सेम रहेगा, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स और फाइन अप टू 1000 और विथ बोथ। मीन्स अगर आपने डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किया तो भी आपको पनिशेबल, आप 6 मंथ्स के लिए इम्प्रिजनमेंट रहेगा और 1000 रुपीज का फाइन रहेगा, या फिर दोनों रहेंगे। और अगर आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया ड्रग इंस्पेक्टर को, उस कंडीशन में भी आपको 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट रहेगा और फाइन रहेगा 1000 रुपीज का और विथ बोथ रहेगा, ठीक है। तो हम शिफ्ट होते हैं, पहले इस पर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा था हमने, फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर कोई पर्सन फॉल्सली क्लेम कर रहा है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो उस कंडीशन में उन्हें फर्स्ट कन्विक्शन पे ऑन फर्स्ट टाइम सिर्फ 500 रुपीज का फाइन लगेगा, बट ऑन सेकेंड कन्विक्शन ऑन सेकेंड टाइम 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन डबल हो जाएगा, 1000 रुपीज का फाइन हो जाएगा। और अगर आप फेलियर हो रहे सरेंडर करने के लिए, क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस कंडीशन में आपको पनिशेबल कितना रहेगा, आपको ओनली 50 रुपीज। और अगर आप डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कर रहे हो तो पनिशेबल विथ किसका रहेगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स और विथ 5000 रुपीज और विथ बोथ रहेगा, दोनों रह सकता है। और अगर ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड ड्रग इंस्पेक्टर रहेगा उस कंडीशन में क्या पनिशेबल रहोगी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स और विथ 5000 रुपीज और विथ बोथ रहेगा, मीन्स ये दोनों भी रह सकते हैं, दोनों सेम है, आपको याद रखने के लिए इजी रहेगा। ओके, थैंक यू।